बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई मुस्तफ़ा। और अभी आप देख सकते हैं कबूतर हमने मुर्गे खोल रखे हैं, वो देखें मुर्गियाँ एंजॉय कर रहे हो हमारा आपको। तो गाइस हमारा एक और मुर्गा आ चुका है हमारे पास। था पहले एक डेली मुर्गा था हमारा, जो अच्छा मुर्गा वो काटने वाला, ये हमारे पास था एक। तो हम लोग एक और लेके आ गए हैं, ये देखें ये वाला बड़ा मुर्गा है। अभी इसको लेके आते हैं इधर, और मेरी थोड़ी आवाज़ भी बैठ रही है, कल कुल्फी खा ली थी इसलिए आवाज़ बैठ गई। और बाकी देखें हमारा ये रहा प्यारा, बहुत ही वाला अच्छा मुर्गा है। मगर ये वाला तो गाइस ये वाला मुर्गा बहुत डरता है इससे। और बाकी ये देखें हमारे चिंटू मिंटू, हाँ चिंटू मिंटू चिंटू मिंटू भी ठीक है। और एक और खुशखबरी है गाइस, अभी आपको वो नहीं बताऊंगा। और मौसम आप देख सकते हैं कितना प्यारा हो रहा है, चीले वीले घूम रही है और चट चट के सफाई वफाई कर लिए। और हमारे कबूतर भी इंजॉय कर रही है, इनको भी दाना नहीं दिया, दाना भी इनको दे ही है। सारे कबूतर इंजॉय कर रहे हैं। और शेरू को हमने दोबारा छोड़ दिया है क्योंकि वो जोड़ा नहीं खा रहा था, तो हमने वाला छोड़ दो। और बाकी हमारा शेरू के हल्की सी चोट लग गई क्योंकि इस वाले मुर्गे ने इस वाले को शेरू को मार दिया। तो भाई हई शेरू, तो गाइस ये देखें आपके सामने कितनी जोर के मेरे आके मारा, और भी खुला हुआ होता इतना मुझे इतना बुरा आके यहाँ पे लगता, तो शुक्र करो चलो वो था नहीं। और हमारे चिंटू आप देख सकते हैं, वो नया मुर्गा आप देख सकते हैं कितना प्यारा है, ये भी अच्छा मुर्गा है, VIP मुर्गा है। अभी इसका आपको पूरे शौक कराते हैं, इसको आपको पूरे शौक कराते हैं। और बाकी धूप निकल ली है हल्की हल्की, और मौसम आप देख सकते हैं। और अभी मेरे जहन में आइडिया है, अपने कबूतर उड़ा देते हैं, इस मौसम में बहुत इंजॉय करेंगे हमारे कबूतर। और आपको जो गाइस अभी मैं ऊपर चढ़ गया हूँ, आपको देखिए टोलियाँ दिख रही होंगी, वो देखें ये लड़ रही हैं, ये देखें ये लड़ गई, ये लड़ गई। तो इधर अभी आ गया है मौसम कबूतर का लड़ने का, तो अब ये लड़ती रहेंगी। तो अपने भी ये हमारा ये भी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, इंजॉय करता रहता है। ये हमारा पट्ठा भी बिल्कुल ठीक है गाइस, इनकी भी जोड़ी लग चुकी है। और हमारे चिंटू मिंटू तो बिल्कुल ठीक है, चिंटू तो गाइस बहुत बिल्कुल ठीक हो गया। तो गाइस ये देखें लकड़ी गिरा देने गाइस, अभी आपको ऊपर करके मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऐसी पिंजरे में आई खुशखबरी है, वो आपको कमेंट करके आप बताना, जिसने सही बताया फिर मैं उसको पहले आप जिसने देखते हैं कौन सही बताता है, पहले आप इनका इसमें कोई ऐसी चीज़ है जिसने सही बताया ना, फिर मैं उसको बताऊंगा क्या चीज़ थी, पहले सब कमेंट करके बताना क्या चीज़ है। अभी हम आपको दिखाएंगे, कल दिखाएंगे। अभी देखें लकड़ी गिरा दी, मैं ऊपर तो करूँगा नहीं, ऊपर नहीं करना। अभी डंडी लगा दिए, और अभी आप खुद ही कमेंट करके बताना इसके अंदर क्या चीज़ है। और हमारे मुर्गे तो आपको पता है मस्ती आ गई है, देखें मस्ती करता रहता है, वो सेट हो गया। अब ये वाला मुर्गा उससे चिढ़ता है गाइस, बहुत बहुत चिढ़ता है ये वाला मुर्गा इससे, ये वाला मुर्गा है ना अपना, ये देखें ये बहुत चिढ़ता है। और बाकी हमारे कबूतर ठीक है, अभी जल्दी से चलते हैं अपने कबूतर उड़ा देते हैं क्योंकि मगरिब हो गई, फिर नहीं उड़ते ये वाले कबूतर, इसको यहाँ पे बिठा देते हैं। आज हम गाइस खुद नहीं उड़ाएंगे, आज ये देखते हैं खुद उड़ते हैं कि नहीं उड़ते। ये देखें माशाल्लाह उड़ गया, उड़ गया उड़ गया उड़ गया, ओ देखे टंकी पे। तो गाइस जब हम हाथ से उड़ाते हैं तभी उड़ जाते हैं, वरना टंकी पे बैठ जाते हैं ये ऐसे ही। ये बंद कर देते हैं इसको। और हमारे चिंटू मिंटू के देखें गाइस, ये देखें ऐसे कैसे काटते हैं, ये उंगली पे देखें कैसे काटते हैं, ये देखें पूरा हाथ में ले लेते हैं। गाइस हमारा कबूतर दोबारा आ गया, अब इसको उड़ा देते हैं। और हमारा मुर्गा भी मस्ती में लगा हुआ है, उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया, नहीं नहीं उड़ता। तो गाइस कबूतर नहीं उड़ रहा है। और बाकी हमारा मुर्गा ये वाला शोर बहुत मचा रहा है। और हमारे चिंटू को दिखा रहे थे, अब ये देखें पूरा, ये देखें पूरा ले जाता है। और ये देखें इसके छोटा सा ताज निकल रहा है, ये देखें गाइस के छोटा सा ताज निकल रहा है, ये देखें। बाकी हमारा चिंटू बिल्कुल ठीक है। तो गाइस हमारा मुर्गा देखें अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और गाइस क्योंकि ये भी बहुत बड़े हो गए तो हमें और असली मुर्गी भी लाने पड़ेंगे। अभी हम लोग अपना मुर्गा तो लिया है, मुर्गी भी हैं। तो गाइस आज एक और खुशखबरी है, आज तीन तीन खुशखबरी है, एक तोते वाली, तोते वाली आप कमेंट करके बताना, और एक मुर्गी वाली जो मैंने आपको बता दी। और एक और बताता हूँ, अभी वो चीज़ें लेके आता हूँ फिर आपको बताता हूँ। और बस हमारे मुर्गे ठीक है गाइस, अभी लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं।
तो गाइस ये देखिए मेरे हाथ में आप दो अंडे देख रहे होंगे, ये देख सकते हैं दो अंडे, ये रहा एक और एक ये वाला है। तो अभी इसको रख देते हैं और नीचे और आपको बताते हैं। ये देखिए दो हमने नीचे रख दिए अंडे, ये देखिए। तो गाइस फाइनली हमारी मुर्गी अंडे देना शुरू हो गई है। हमें पहले लगता था कि हमारी मुर्गी अंडे नहीं देंगी, हमें दूसरी लानी पड़ेगी, मगर अब हमारी मुर्गी अंडे देने लग गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें हमारे दो अंडे दे दिए हमारी मुर्गी ने। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके भाई के पास तो तीन मुर्गियाँ हैं और दो मुर्गे हैं, तो उनमें से एक मुर्गी तो अंडा नहीं देती। तो ये दो अंडे ही दिए मुर्गी ने, आप सब सही सोच रहे होंगे, हमारी मुर्गी दो ही अंडे देती है। अभी खांसी भी हो रही है, तबीयत भी थोड़ी सही है। और जो आपको आप सोच रहे होंगे दो मुर्गी, क्योंकि इनमें से एक जो मुर्गी है ना वो है छोटी, वो है पट्टी, अभी अंडे नहीं देगी, इसलिए हमारी मुर्गी ने हमें आज गाइस आज मैं बहुत खुशी हूँ। तोते वाली तो हम आपको बताऊंगा नहीं, आप कमेंट में बताना वही। और बाकी आज तो मैं बहुत खुश हूँ, हमारी मुर्गी ने दो दो अंडे दे दिए, एक मुर्गी ने नहीं दो अंडे दिए, पहले इनको रख के आए थे टूट गए तो फिर गए, क्योंकि हम आम बहुत सारे अंडे जमा करके अपनी मुर्गी को बिठाएंगे, पहले इनको रख के आ जाते हैं फिर आपको। तो गाइस ये हमारा मुर्गा, ये देखें ये हमारा मुर्गा, ये देखें कितना प्यारा हमारे शेरू है, ये देखें इसका नाम हमने शेरू रखा है। तो गाइस हमारा एक ये वाला मुर्गा था, ये वाला मुर्गा है हमारा एक डबलिंग, इसका नाम रखा है हमने डबलिंग, उसका नाम रखा है हमने शेरू। वो देखें मुर्गियों के साथ, मुर्गियों के साथ वो सेट हो गया। और ये देखें टोली उड़ रही है और सामने जंगली कबूतर भी बैठा है। और हमारा शेरू दोबारा उतर गया, अभी इसको दोबारा उड़ा देते हैं। शेरू उड़ जाओ यार, ये 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 उड़ गया। तो गाइस अभी शेरू उड़ गया, अभी दूसरा इसका पार्टनर भी उड़ा देते, ये रहा दूसरा इसका पार्टनर, अभी दूसरा भी पकड़ लिया, इसको भी उड़ा दिया गए। तो गाइस बहुत दूर चले जाएंगे अभी, अब देखना ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। वो देखें गाइस वो तो कितनी ऊपर चला गया, ये देखें ये आ रहा है, ये देखें ये रहा, ये देखें गाइस ये कैसे उतरता है, यूं करके उतरता है। और बाकी हमारे सारे कबूतर ठीक हैं, ये हमारे सारे कबूतर बिल्कुल ठीक हैं और फिट फाट हैं, भूखे हो रहे हैं, इनको दाना नहीं दिया। इसकी भी मादी ला के बहुत जल्दी जाके मार्केट है। हमारे सारे कबूतर ठीक है, हमारा शेरू भी बिल्कुल ठीक है। तो गाइस अभी कुछ दिनों में जाके इनकी मादियाँ भी लानी पड़ेगी। अरे यार गाइस ये बार बार खुल जाते हैं ना, अभी टाइम नहीं हुआ इनका खोलने का, अभी इनको खोलेंगे। अभी गेन में से एक कबूतर, तीन चार कबूतर खुल गए, इनमें से ये आला भी खुल गया, ये गंडेदार। और गाइस एक और खुशखबरी है, हमारे जो आला कबूतर था ना, वो वाला जो कबूतर था वो बीमार हो रहा था, तो हमने देखें वो घाघरा, देख रहे हैं आप घाघरा, वो देखें ये वाला कबूतर हमारा बिल्कुल ठीक हो गया। और ये कितना ऊपर उड़ रहा है, ये वाला हमारा कबूतर उड़ते रहते हैं ये ऐसी, देख हमारा घाघरा। बाकी सारे कबूतर गए थे हमारे ठीक हैं और हमारे मुर्गे भी ठीक हैं। और तोते की आप आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो आप कमेंट बताएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिएगा और हमारे माया कबूतर को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिएगा। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।